मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस न्यूज लाइव। सरप्रस न्यूज लाइव में आपका इस्तकबाल है। मगरी बंगाल का इलेक्शन चल रहा है, कल दूसरे फेज का इलेक्शन होने वाला है। ऐसी सूरत हाल में मगरी बंगाल के मतदाता, मगरी बंगाल के वोटर्स जो है जागरूक हो चुके हैं, बड़े पैमाने पे वोट देने के लिए भी निकल रहे हैं। तो इसके लिए मैं मगरी बंगाल की जनता, उनके वोटरों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। आज मैं आपकी मुलाकात, आपसे इंट्रोडक्शन, जो तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है, जनाब विजय उपाध्याय जी से करवाने जा रहा हूं। आपका सरप्रस चैनल में स्वागत है। विजय उपाध्याय जी के बारे में एक चीज बताना चाहता हूं, तकरीबन ऑलमोस्ट 40 सालों से राजनीति में है, राजनीतिक सूझबूझ रखते हैं। बड़ा बाजार और कलकत्ता शहर, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट वगैरह को लेकर के जितने भी एतराफ है, 10-15 डिस्ट्रिक्ट में इनका अपना असर रसूख है, इसलिए कि ये मजे हुए सियासतदार, कोहना मश्क पुराने सियासतदार। तो सियासत कैसे बदलती है, कैसे नहीं बदलती, सारे इल्म नॉलेज है। चलिए हम बातें करते हैं। जिस तरीके से मगरी बंगाल में पोलराइजेशन की सियासत हो रही है, ध्रुवीकरण की सियासत हो रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा, दलित किया जा रहा, ब्राह्मण किया जा रहा, जब गृह मंत्री जी बंगाल में आते हैं तो राजवंशी समाज की बात करते हैं और मतुआ समाज की बात करते हैं, मल्ला समाज की बात करते हैं, वो कभी भी बंगाल में आकर के जो है बंगाल की जनता की बात नहीं करते हैं। वो यूपी में होता था, बिहार में होता था, झारखंड में होता था, मगर बंगाल में हमारे ख्याल से कल्चर ने। चलिए इसी सवाल का हम जवाब डायरेक्ट टीएमसी के स्पोक्स पर्सन जनाब विजय उपाध्याय जी से लेते हैं कि इसके बारे में, ध्रुवीकरण के बारे में, पोलराइजेशन के बारे में क्या सोच है, ये बंगाल की सियासत के लिए ठीक है या नहीं है। स्वागत है सर आपका। पश्चिम बंगाल की भूमि, ये रामकृष्ण परमहंस की भूमि है, ये स्वामी विवेकानंद की भूमि है, यह ईश्वरचंद विद्यासागर की भूमि है, यह मौलाना अबुल कलाम की भूमि है, यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन्म लिया, यहाँ काजी नजरुल इस्लाम ने जन्म लिया। तो इस धरती पे सांप्रदायिकता या जातिवाद आज तक तो कभी भी देखने को नहीं मिला। यूपी बिहार की रणनीति लेके भाजपा यहाँ जो कामयाब होने की चेष्टा कर रही है, यह सफर मेरे को लगता है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। यह पश्चिम बंगाल की धरती में उतना सक्सेसफुल नहीं होंगे, यह मुझे आशा ही नहीं वरन कि पूर्ण विश्वास है। जी विजय उपाध्याय जी, एक चीज और बताइए कि गृह मंत्री जी ने बंगाल को सुनार बंगला का उन्होंने जो है सपना दिखाया लोगों को, मैं बंगाल को सुनार बंगला बनाऊंगा, मगर कैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कोई ब्लूप्रिंट के बारे में नहीं बताया। हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं, क्या बीजेपी का ये वादा सच है या खोखला है, हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं विजय उपाध्याय जी से जो टीएमसी के प्रवक्ता है। ऐसा है जी, क्यों ना, उनका चुनाव घोषणा पत्र आप बंगाल का देख लीजिए जी, असम का देख लीजिए, तमिलनाडु का देख लीजिए जी, हर एक जगह अलग अलग रूप में उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र रखा है जी। जैसे यहाँ के चुनाव घोषणा पत्र में है कि 1 रुपया किलो हम चावल देंगे। आप ये बताइए यूपी में उनकी गवर्नमेंट, बिहार में उनकी गवर्नमेंट, इसके पहले झारखंड में भी उनकी गवर्नमेंट थी, मध्य प्रदेश में तो अभी है, झारखंड में पिछले 5 वर्ष उन्होंने सरकार चलाई है, उनका मुख्यमंत्री था। आप ये बताइए उनके शासित, भाजपा शासित राज्य में कहीं भी 1 रुपया किलो चावल वो लोग दिए हैं जो बंगाल में देंगे? तो ये वोट पाने के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए झूठ बोलने का, ये भाजपा वालों को जुमलाबाजी करने का अभ्यास है। जैसे 2014 में इन्होंने कहा कि हम उस समय 414-15 रुपया गैस था जी, ठीक है, अभी कितना हो गया, 900 से ऊपर चला गया, 950 चला गया जी। गैस इन्होंने कहा था कि हम 400 से और नीचे करेंगे जी, याद होगा जी जी बिल्कुल याद। इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया हम 1 महीना बैठेंगे जी। और 1 महीना में 15 लाख रुपया करके प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाएगा अगर हम काला धन विदेश से ले आए, लेकिन आज तक नहीं ला पाए। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे साल में, लेकिन कहाँ, आप ये बताइए, आप पत्रकार हैं जी, आप हमसे बेसी खबर रखते हैं जी, आप यूपी बिहार झारखंड पूरे देश की खबर रखते हैं, आप ये बताइए कहीं पर भी इन्होंने नौकरी देने का काम किया, आप ये बताइए, तो छिन गई और ज्यादा, वही तो बता रहे हैं। आप ये बताइए, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बिल्कुल आज
भारत की क्या दुर्दशा है आर्थिक क्षेत्र में। आप BSNL बेच रहे हो, आप रेल बेच रहे हो, आप पेट्रोलियम कंपनी बेच रहे हो, आप सेल बेच रहे हो, आप एयरपोर्ट बेच रहे हो, आप रेल बेच रहे हो। वहां जो सरकारी नौकरियां थी, कोई भी प्राइवेट बिजनेसमैन लेगा, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो कोई हो, वो पहले छटाई करेगा जी। वो क्योंकि जो भी चुक्ती सरकार करती है उसमें बोलती है 75% आदमी को छटाई कर सकते हैं, तो 75% छटाई होगी, 25% को भी धीरे धीरे वहां से BRS दे देंगे, तो सब नौकरी रहेगी कहाँ। और जो नौकरी पाएंगे वो कंट्रेक्चुअल पाएंगे, उनको पेंशन नहीं मिलेगा। पेंशन नाम आपको सुनने नहीं मिलेगा, 5 साल बाद मिला लीजिएगा। त्रिपुरा में उन्होंने पेंशन बंद कर दिया, देख लीजिए, जो 2017 से नौकरी पाए हैं सरकारी, कह दिया गया कि आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। सही। जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी कर रहे हैं त्रिपुरा में, त्रिपुरा में सरकारी जो टीचर थे उनको हटा दिया, कंट्रेक्चुअल टीचर लेने लगे, पूरे देश में यह हाल है। और सोने की चिड़िया कहाँ गई। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं, नंदीग्राम का कल इलेक्शन है और अमित शाह भी कल प्रोग्राम किए हैं, रोड शो वगैरह किए, उन्होंने बोला है कि हर हालत में है जो है शुभेंदु अधिकारी को जिताना है, ममता बनर्जी को हराना है। तो हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं विजय उपाध्याय जी से, जो TMC के प्रवक्ता है, कि नंदीग्राम का खेला क्या रहेगा, खेला होवे या ना होवे, दीदी के फेवर में होगा या शुभेंदु अधिकारी के फेवर में होगा। हम डायरेक्ट सवाल का जवाब लेते हैं। ये खेला तो शुरू हो गया जी, ये दूसरे चरण का खेला जी होगा जी, ठीक है। तो जी तो आप निश्चिंत रहिए कि ममता बनर्जी के बलबूते शुभेंदु अधिकारी या शिशिर अधिकारी थे, चाहे राजीव बनर्जी थे जी, ममता बनर्जी के सर से हाथ हटने से वो नगण्य हो गए, ये देखने को आपको 2 मई को मिलेगा कि शुभेंदु अधिकारी लाखों वोट थे नंदीग्राम में आने जा रहे हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं, बड़ा बाजार वगैरह हल्के में जो है, जैसे कि जोरा साकू है, ये सब तमाम चौरंगी वगैरह के हल्के में है, बड़ा बाजार की सियासत को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो ये सारे किले जो है TMC के हैं, MLA वगैरह और MP वगैरह सब के, नॉर्थ में साउथ में जितनी भी सीटें सब TMC के पास, तो क्या 2021 में भी TMC अपना किला बचा पाएगी कि नहीं नॉर्थ और साउथ कलकत्ता का, इस सवाल का जवाब लेते हैं विजय उपाध्याय जी से डायरेक्ट। ऐसा है कि अभी तो यहाँ का जी चुनाव इलेक्शन डिक्लेयर ही नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं हुआ जी, लेकिन कैंडिडेट घूम रहे हैं, कैंडिडेट घूम रहे हैं जी। वो जिस तरह से भाजपा चाहती है यहाँ के लोगों को बरगला के, झूठ बोल के, जुमलेबाजी करके, जात पात की बात करके, हिंदी बंगाली की बात करके हम वोट हासिल कर लेंगे। आप तो देखिए हिंदी भाषा भाषी है, ऐसा आपको मैं बता देता हूँ कि हम हिंदी बोलने वाले जी, जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं जी, हमारे बच्चों ने यहाँ जन्म लिया, हम लोग बचपन में यहाँ जन्म लिए जी, हमारे पिताजी पूर्वज भी यहाँ जन्म लिए, यहाँ खेले पढ़े, यहाँ का नमक खाया, तो हम पहले बंगाली हैं। सही। हमारी संपर्क भाषा जरूर हिंदी है, हम राजस्थानी हो सकते हैं, हम गुजराती हो सकते हैं, हम बिहार के हो सकते हैं, हम झारखंड के हो सकते हैं, हम मध्य प्रदेश के हो सकते हैं, हम साउथ इंडिया के हो सकते हैं, लेकिन जो भी यहाँ परमानेंट रहता है, चाहे वो वोटर है, आधार कार्ड है या नहीं है, कि राशन कार्ड है नहीं है, या नौकरी पैसा भी करता है, तो वो जो है पहले पश्चिम बंगाल में बंगाली है। बहुत हम दोनों को भाजपा वाले अलग नहीं कर पाएंगे, हिंदी और उर्दू या बंगला बोलकर। ये बड़ा क्षेत्र हिंदी भाषा भाषी का जो है, जोरा सको चौरंगी वगैरह जो है, तो ऐसी सूरत हाल में ये हिंदी भाषा भाषी को जो BJP अपना जो बोलती है, ये मेरा वोट बैंक है, ये इन्हीं की राजनीति करती है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट वगैरह में भी है हिंदी भाषा भाषी का वोट बैंक, इसी की राजनीति करती है। इसके बारे में आपका क्या, TMC के साथ हिंदी भाषा भाषी का वोट नहीं रहेगा? आपको एक बात बता दूं कि आप देख लीजिए जी, लोकसभा इलेक्शन के बाद कहां कहां इलेक्शन हुआ, दिल्ली जी, दिल्ली में लोकसभा में 10 सीट पा गया जी मोदी जी, लेकिन 6 महीना बाद सब 7 ही सीट है दिल्ली में जी, जी। और 7 सीट पाए जी लोकसभा में, और 6 महीना बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, तो विधानसभा में उनको 8 सीट मिली जी। और
केजरीवाल मुख्यमंत्री बने जी झारखंड में हाँ झारखंड में सब पूरी सीट ले लिए थे लेकिन क्या हुआ वहां पर विधानसभा हार के सीवी सोरेन के लड़के मुख्यमंत्री बने चीफ मिनिस्टर बने। आप चले आइए बिहार में लोकसभा के समय 251 सीट पे भाजपा आगे थी लेकिन क्या देखा गया विधानसभा में 150 सीट पे सिमट गया। राजस्थान 40 सीट में से सिर्फ दो राजस्थान मध्य प्रदेश वहां की लोकसभा सब सीट पाए लेकिन विधानसभा में अटक के वहां दोनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी थी। आपको याद होगा गुजरात जो मोदी का गृह जिला गृह राज्य है वहां लोकसभा में सब सीट मिल गई और मरते किसी तरह से सरकार बना पाए। 10 सीट का फर्क था कांग्रेस में और भाजपा में 10 सीट का फर्क था। कहां गई वो सीटें जो लोकसभा में जितने सीट पे आके थे। पश्चिम बंगाल में वो स्वप्न देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी उनकी दुर्गति होने वाली है। ममता बनर्जी 250 सीट जीत के तीसरी बार हैट्रिक कर मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और भाजपा विरोधी दल नायक भी अमित शाह मोदी जी बोल रहे हैं कि बंगाल में परिवर्तन की हवा चल रही है। कैसी परिवर्तन की हवा चल रही है हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं कि परिवर्तन होगा भी या नहीं होगा या थर्ड टाइम ममता बनर्जी सीएम बनेगी। इस सवाल का डायरेक्ट मैं जवाब लेता हूं विजय उपाध्याय जी से जो टीएमसी के प्रवक्ता। देखिए हाँ खेला शुरू हो गया है जी और अमित शाह जी और आपका आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जेपी नड्डा और उनका कैबिनेट पूरा जी उनके सब मुख्यमंत्री जी चक्कर लगा रहे हैं बंगाल का पूरा एकदम मतलब दखल कर लेंगे जी। ये 3 महीना में वो जो है यहाँ के अभी पश्चिम बंगाल के अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं बाहर नहीं है तो क्या गलत है बताइए। ये केंद्र सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी उसकी लड़ाई यहाँ लड़ रहा है ये आप जान लीजिए। ममता बनर्जी शिकस्त देके जो स्थान ज्योति बसु जी का था वही स्थान भारतवर्ष में लेने जा रही है चुनाव जीत के हैट्रिक करके मुख्यमंत्री बन के सारे देश की नजर ममता बनर्जी पे है कि एकमात्र वह शेरनी है जो मोदी के गले में घंटी बांध सकती है और यह होके रहेगा। मिला लीजिएगा 2 मई को। एक इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात रखी है जैसे कि बीजेपी यहाँ सुनार बंगला की बात करती है बीजेपी यहाँ सीए एनआरसी की बात करती है कि हम आएंगे तो एनआरसी लागू कर देंगे। बीजेपी यहाँ बोलते है कि हिंदुओं को जो है पूजा करने की इजाजत नहीं मिलती है। बीजेपी यहाँ बोलती है कि हमें दुर्गा पूजा के लिए हाईकोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। बीजेपी यहाँ बोलती है कि महिला को सुरक्षा नहीं मिलता मगर वो कहीं नहीं बोलती कि बंगाल का विकास कैसे होगा बंगाल में नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेगा बंगाल तरक्की कैसे करेगा बंगाल डेवलपमेंट कैसे होगा बंगाल में हम कल कारखाने इस किस्म की वो बातें नहीं करते। वो ये सारी बातें जो है समझिए कि लोहावक भाषा में तो इससे रोजगार का कोई लेना देना नहीं विकास इसका आप जवाब। आपको याद होगा जी 1.5 महीना पहले जी नड्डा साहब यहाँ बोले कि हम 76 लाख जॉब कार्ड देंगे जी 76 लाख जॉब कार्ड देंगे लेकिन चुनाव घोषणा में नदारद है क्यों इसका इफेक्ट होता बिहार में उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में इफेक्ट होता है इसका सही तो उससे वो मुकर गए कि तुम वहां 76 लाख दोगे और यहाँ हम लोग बेकार हो रहा है करोड़ों लोग बेकार हो रहे हैं। आप ये देखिए एनआरसी सीए की बात बोले यहाँ उन्होंने दिया चुनाव घोषणा असम जहाँ पर उन्होंने लागू किया था आपको याद होगा 19.5 लाख लोगों का नाम बाद हुआ है वहाँ 19.5 लाख में सुन लीजिए 5 लाख मुस्लिम है जी और बाकी सब हिंदू हैं जी। आप बोलते हैं हिंदू को हम नहीं निकालेंगे तो वहाँ कैसे 12.5 लाख हिंदू 5 लाख को बाद देके बैलेंस जो है 14.5 लाख जी हिंदू का नाम कैसे बात किया आपने वहां जेल बना दिया डिटेंशन सेंटर बना दिया और अभी चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने उसको आपने रखा नहीं क्यों कि आपको भय है कि आपको वोट नहीं मिलेगा और बंगाल में वोट लेना है तो जुमलेबाजी और झूठ बोलना पश्चिम बंगाल क्या सारा देश जान गया है कि आप जुमलेबाज हैं झूठ है और झूठ पे झूठ बोलते हैं। रोहिंग्या के बारे में बार बार भाजपा लीडर आवाज उठाते इसके बारे में क्या ऐसा है कि रोहिंग्या ये भय का भूत दिखा रहे हैं। आप निकाल लिए अगर कोई विदेशी है
रोंगिया अगर आया है 6 महीना में सलवाटा ही निकाल लीजिए, लेकिन आप जो यहाँ 10 साल से रह रहा है, 20 साल से रह रहा है, जिसके पास आधार कार्ड है, जिसके पास वोटर कार्ड है, जिसके पास राशन कार्ड है, वह भारत वर्ष का नागरिक है, नागरिक है, नागरिक है। आधार कार्ड आपने दिया, केंद्र सरकार ने दिया, राशन कार्ड बंगाल गवर्नमेंट ने दिया, वोटर कार्ड आप बनाते हो, केंद्रीय सरकार बनाती है। आप ये बताइए असम में ये लोग बात करते हैं, उन्हीं वोटर लोगों ने वोट देके एमपी बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उन लोगों का क्या होगा? आप नाम तो बात देती है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? आप ये बताइए एमपी जो इलेक्ट रहा 10 साल, वो उसका नंबर हमारे प्रधान राष्ट्रपति उसके भतीजे के लड़के का नंबर असम में हफरुद्दीन साहब के। आप ये बताइए जो वहाँ असम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा उसके लड़के का लड़की का नाम बात, ये तो खेला कर रहा है ना। लोगों का काम है झूठ बोलना, बरगलाना, किसी तरह से बेवकूफ बना के वोट लेना। क्यों आप बनाइए यूपी सोने का यूपी क्यों नहीं हुआ? सोने का बिहार क्यों नहीं हुआ? सोने का मध्य प्रदेश कहाँ है? सोने की चिड़िया भारत जो पूरा देश बोलता था जी। आप उसको बेच रहे हो, शर्म नहीं आ रही? जवाब दिया है मगर फिर हम एक बार दोहराना इस सवाल को इसलिए चाहते हैं कि हिंदी भाषा भाषी का साथ रहेगा कि नहीं दीदी को, इसलिए कि वो एकदम इंटेक्ट बीजे बार बार बोल रहा है कि एकदम आप, मैं इसलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूं। 100 टाइम आप मान के चलिए कि हिंदी भाषा भाषी जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं 60% से ऊपर ममता बनर्जी के संग में रहेंगे रहेंगे रहेंगे, 2 मई को मिला लीजिएगा। दीदी का कौन ऐसा काम है जिसकी वजह से बंगाल की जनता तीसरी बार चुनना चाहेगी? उस काम का हम नाम जानना चाहेंगे। ममता बनर्जी जी काम के माध्यम से जाने जाते हैं जी। उन्होंने जो 10 साल काम किया जी, इसके पहले 34 साल यहाँ लेफ्ट फ्रंट का शासन था, लेकिन 34 साल में जो लेफ्ट फ्रंट ने नहीं किया वो ममता बनर्जी ने 10 साल में करके दिखा दिया। जैसे बच्चियों को पढ़ने के लिए साइकिल क्लास 9 से प्राथमिक स्तर की पूरी फ्री पढ़ाई 12 तक, 12वीं पास करने से कॉलेज की पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपया कन्या से, 18 साल वयस्क होने के बाद शादी के लिए अगर कोई शादी करना चाहे अपनी बच्चे की तो रूपश्री 25,000 रुपया। आप ये देखिए अभी दोबारे सरकार लगी जी, उसके अंदर ने स्वास्थ्य साथी, ये स्वास्थ्य साथी कार्ड ममता बनर्जी 2016 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में इंट्रोड्यूस किया जी। और जो बीपीएल आवता के तहत और पेंशन होल्डर रखते हुए पश्चिम बंगाल में 1,60,00,000 लोगों को ये कार्ड उन्होंने बनाने का काम किया जी। मोदी जी आयुष्मान भारत ममता बनर्जी की कॉपी करके उसका नाम बदल के आयुष्मान भारत केंद्र में ले आए 18 में, ममता बनर्जी 16 में लाई थी, नाम रख दिया आयुष्मान भारत। उन्होंने कहा 50 करोड़ लोगों को हम यह सुविधा प्रदान करेंगे 5,00,000 रुपया करके एक परिवार। चलिए ठीक है आपने कॉपी किया, रहते हैं भारतवर्ष में 130 करोड़, तो आपने किया 50 करोड़। माने जो बीपीएल में है, जिनके पास फ्रिज है, जिनके पास टीवी है, जिनके पास बैंक अकाउंट है, उनको नहीं, जिनके पास स्कूटर है उनको नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी ने क्या किया, चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा नहीं की, उसके पहले स्वास्थ्य साथी पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ लोग रहते हैं, वोटर और वोटर के बाद सबको स्वास्थ्य साथी कार्ड देने का काम किया। प्रत्येक लोग स्वास्थ्य साथी से हॉस्पिटल में जाके फायदा उठा रहे हैं, हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, कैंसर का ऑपरेशन हो रहा है, अपेंडिक्स ऑपरेशन हो रहा है, आंख का ऑपरेशन हो रहा है, छोटा ऑपरेशन से लेके बड़ा ऑपरेशन, किडनी ऑपरेशन हो रहा है। आप ये बताइए आयुष्मान भारत का कहां क्या हो रहा है? और पेंशन, पेंशन यहाँ 1,000 रुपया महीना मिलता, आप चला जाइए यूपी में, आप चला जाइए बिहार में, आप चला जाइए झारखंड में, वहाँ पेंशन है वृद्ध का और विधवा का 500 रुपया, ओनली 500 रुपीज। और बंगाल में ममता बनर्जी 1,000 रुपया करके प्रत्येक विधवा को और प्रत्येक वृद्ध जो 60 साल से ऊपर हो गया उनको दे रही है। और आप यहाँ पहले ममता बनर्जी 2 रुपया किलो चावल दे रही है,
आपने लेकिन 2 रुपया चावल देने का काम नहीं किया। कोविड पीरियड में आपने घोषणा किया कि 5 रुपये केजी करके प्रत्येक माता पीछे देंगे, ममता बनर्जी ने यहाँ देना शुरू किया, आपने बंद कर दिया। आपने पिछले साल जून में बंद कर दिया, लेकिन ममता बनर्जी का वो 5 केजी चावल प्रत्येक माता के पीछे अभी भी प्रत्येक को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में, और जून तक मिलेगा और उसके आगे भी देंगे ममता बनर्जी। चलिए, हमने विजय उपाध्याय जी से ममता बनर्जी के कामकाज के बारे में पूछा, सुनार बांग्ला के बारे में पूछा, हिंदू मुसलमान को पोलराइजेशन ध्रुवीकरण की जो सियासत मगरी बंगाल में चल रही है उसके बारे में भी सवालात किया, और क्या करेंगे नहीं करेंगे क्या रहेगा सारे सवालात पूछे। मैं विजय उपाध्याय जी का जो TMC के प्रवक्ता, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।